बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ज़रूरत ईजाद की माँ है। कोरोना वायरस ने बहुत सारे कंपनीज को फोर्सफुली वर्क फ्रॉम होम की तरफ पुश किया है। आई हैड अ वंडरफुल डे यस्टरडे टॉकिंग टू सम ऑफ माय क्लाइंट्स एंड इट वाज फैसिनेटिंग। एक तो हम वीडियो कॉन्स के थ्रू या स्काइप के थ्रू या टेलीकॉन्स पे बात कर रहे थे और उसमें आई थिंक कलेक्टिव रियलाइजेशन ये थी कि बहुत सारी मीटिंग्स जो हम करते हैं वो उनकी ज़रूरत नहीं होती, वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। एंड इट वॉज वेरी गुड टू फाइंड आउट दैट मेनी कंपनीज इन पाकिस्तान एंड ऑफकोर्स ग्लोबली हैव अलाउड देयर एम्प्लॉइज टू स्टे सेफ, वर्क फ्रॉम होम ड्यूरिंग दिस टफ टाइम। वी विश एवरीबडी ग्रेट हेल्थ। इट्स इम्पॉर्टेंट टू सॉर्ट ऑफ रिकग्नाइज दिस कि ये जो फोर्सफुली हमने किया है, क्या अब ये हमें वैसे ही अपने काम में इंटीग्रेट नहीं करना चाहिए? क्या ये ज़रूरी है कि हम सब एक दफ्तर एक ही वक्त पे ज़रूर पहुँचें जिस तरीके से हम स्कूल में पहुँचते थे और शायद ज़रूरत होती थी पुराने इदारों की कि सारे एक वक्त में पहुँचें, क्योंकि प्रोडक्शन लाइन्स ऐसे शेप्ड अप थी, हर किसी का फिजिकली मौजूद होना बहुत ज़रूरी था। बट मे बी ये तमाम वर्ड्स आज के दौर में ज़रूरी नहीं रहे। आज के दौर में शायद मुख्तलिफ वर्ड्स आ गए हैं और उनको करने के हाउस भी मुख्तलिफ हो गए हैं। कुछ फैक्ट्स जो कि बहुत ही अलार्मिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। 2005 से कोई 140% राइज आया है वर्क फ्रॉम होम में। 16% कंपनीज कम्प्लीटली रिमोटली काम करती हैं, यानी उनकी कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है, उनके लोग साथ नहीं होते। 77% प्रोफेशनल्स ये मानते हैं कि अगर वो घर से काम करें तो वो ज़्यादा हेल्दी हों, ज़्यादा खुश हों, क्योंकि वो अपने रूटीन्स अपनी हैबिट्स साथ चला सकते हैं, अपनी फिटनेस अपनी फैमिली पर तवज्जो दे सकते हैं। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स एंड विद टुडेज कनेक्टिविटी शायद ये अच्छा मौका है सोचने का और हमारे काम के तरीकों को मुख्तलिफ बनाने का। एट द एंड ऑफ द डे कोई मरता हुआ शख्स अपने बिस्तर पर ये बात नहीं करता कि काश उसने ज़्यादा काम किया होता। शायद ये जो रूटीन है, ये जो टाइम की कैद है, इसने हम सबको एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म कुकी कट मॉडल पे डाल दिया है और हम सब उससे तंग हैं। आज के टेक्नोलॉजी के दौर में हम कहीं से भी काम कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज हम कमिटेड हों, एज लॉन्ग एज हम सिंसियर हों अपने एफर्ट के साथ। इस वक्त को अच्छा बनाने के लिए, अपने लिए, अपनी टीम के लिए, अपने इदारे के लिए, इसकी पार्टी ना बनाएं, इसको प्रोडक्टिव बनाएं। 5 टिप्स हैं जो कि बहुत आपको हेल्प कर सकती हैं अगर आप घर से काम कर रहे हैं। नंबर 1, अपना स्पेस तय करें। घर में बहुत सारे मुख्तलिफ हिस्से हैं और हमारी उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट होती है। एक हिस्सा ऐसा होता है घर में जहाँ जाके हम सब पढ़ जाते हैं, हम कहते हैं आराम करना है। दूसरा हिस्सा ऐसा होता है जहाँ पे जाके हम टीवी खोलते हैं। तीसरा हिस्सा ऐसा होता है जहाँ पे हम खाने पीने की चीज़ें, अगर आपकी फैमिली में और लोग हैं, बच्चे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मुख्तलिफ हिस्सों पे आपकी, इन हिस्सों पे बैठ के अपना काम ब्लेंड ना करें। अपने दिमाग को, अपने आप को फिजिकली स्पेस दें। जैसे मैंने अपने घर में एक छोटा सा हिस्सा अपना स्टडी और अपने काम के लिए बनाया है, ये ज़रूरी है अगर आप वर्क फ्रॉम होम अच्छे अंदाज के अंदर प्रोडक्टिव अंदाज में करना चाहते हैं। नंबर 2 टिप जो कि बहुत ज़रूरी है घर पे काम करने के लिए, असर्टिवनेस। अपने लिए खड़ा होना सीखें और मना करना सीखें। लर्न टू से नो। आपका मना करना बेइज्जती करना नहीं होता, आपका मना करना किसी का हक मानना नहीं होता, आपका मना करना बहुत मौकों पे अपनी प्रायोरिटी बताना होता है कि ये वक्त आपका किस काम में जाना है। सो नंबर 2 टिप इज़ कि अपने अंदर असर्टिवनेस डेवलप करें और हर चीज़ पे यस बोलने के बजाय कुछ चीज़ों पे नो कहें, ताकि आपके पास अपना वक्त प्रोडक्टिवली इस्तेमाल होने के लिए हो। नंबर 3 टिप जो कि किसी भी टाइम मैनेजमेंट और ख़ासतौर पर घर पर जब आप बैठ के काम करें बहुत ज़रूरी है, इज़ टू प्रायोरिटाइज। आप एक लीनियर लिस्ट नहीं बना सकते, आप अपने दफ्तर में नहीं है जिसमें आपके पास पूरा का पूरा दिन अवेलेबल हो कि आप सुबह से शाम तक वो काम सारे के सारे टिक लगाते रहें। आप घर की सेटिंग में मौजूद हैं, दूसरे लोग किस टाइम अवेलेबल होंगे रिमोटली, आपने उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है। सो अपनी प्रायोरिटी ज़रूर सेट करें। प्रायोरिटी के लिए सिंपल मॉडल है कि अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट में फ़र्क करना सीखें। इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है जो कि आपके गोल के करीब लेके जाती है, अर्जेंट वो चीज़ है जो कि अभी नहीं की तो शायद मौका ना मिले। बहुत सारी चीज़ें जो कि अर्जेंट होती हैं इम्पॉर्टेंट नहीं होती। नंबर 4 टिप अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए, ख़ास तौर पर जब आप घर से काम कर रहे हों, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करें। अपनी टीम के साथ कोई नया चैनल क्रिएट करें अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग चैनल नहीं है। अगर सोशल चैनल है तो उसको ज़्यादा इंगेजिंग बनाएं और उसमें सब के सब लोगों को रिचुअल बाउंड करें कि वो अपने अपडेट्स शेयर करें।
क्योंकि जब हम दफ्तर में होते हैं तो हम एक दूसरे को देख लेते हैं, हमें समझ आ जाता है, कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो जाती है, कोई प्रेजेंटेशन हो जाती है। जब हम दफ्तर में नहीं होते तो हमें पता नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है और किस चीज़ पर शायद उसको आपकी मदद चाहिए हो। सो नंबर 4 टिप, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपको भरपूर पसंद आएगा अगर आप मेरी तरह के शख्स हैं, टेक ब्रेक्स, ज़रूर अपने आप को ब्रेक दें यहाँ पे, क्योंकि ब्रेक घर पे ब्रेक आपको पता है कि मुसलसल चल ही रहा होता है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, अब मौसम बेहतर हो गया, अब पीएसएल तो रुक गया, लेकिन ब्रेक्स आते रहते हैं। ब्रेक्स को कॉन्शियस बनाएं। इस पे सिंपल सजेशन ये है कि 50 मिनट काम करें और फिर 15 मिनट का ब्रेक लें। इस पे अपनी फीलिंग पे ना जाएं, इस पे घड़ी पे जाएं। इस वक्त 2:51 में 50 मिनट का मतलब है 3:40 तक उमेर ने सारी बकवास बंद करके अपनी फीलिंग साइड पे रख के अपना काम करना है। 3:40 पे मैं उठूंगा और 15 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर वापस मैं अपना काम रिज्यूम करूंगा। अपना ये वक्त प्रोडक्टिव बनाएं, इसमें ज़रूर मौका है एक तो नए तरीके सीखने का काम के, इसको पॉजिटिवली लें, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लें और ऐसे अंदाज में काम करें कि आपका इदारा भी कहे और आप ख़ुद भी कहें कि ये ज़्यादा हो सकता है, ताकि हम सब ज़्यादा खुश हो सकें और अपनी ज़िंदगी का भरपूर इस्तेमाल कर सकें और उसे भरपूर अंदाज में जी सकें। आपका बहुत शुक्रिया।